विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेताओं को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने इन दलबदलू नेताओं को उनके मैदान में ही मात दी। योगी सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा और बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी को करारी मात खानी पड़ी। इतना ही नहीं, बसपा छोड़कर सपा में आने वाले कई दिग्गज भी विधानसभा नहीं पहुंच सके। यूपी के सहारनपुर जिले की नकुट विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर में बीजेपी के मुकेश चौधरी ने धर्म सिंह सैनी को हरा दिया। नकुट सीट पर बीजेपी को 1,03,771 वोट मिले, जबकि सपा को 1,03,616 वोट मिले हैं। इस तरह से बहुत मामूली वोटों से धर्म सिंह सैनी को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि सैनी कई चरणों की मतगणना तक लगातार बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन आखिर में धर्म सिंह सैनी को नकुट सीट पर बाजी हारनी पड़ी। ओबीसी समुदाय के कद्दावर नेता प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा के हाथों करारी मात खानी पड़ी। स्वामी प्रसाद इस बार अपनी परंपरागत सीट पर रौना छोड़कर फाजिल नगर सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन पार्टी और सीट बदलना काम नहीं आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी हार स्वीकारते हुए कहा कि चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। भाजपा के बागी भगवती प्रसाद सपा के टिकट पर धाटमपुर से चुनाव लड़ रहे थे। यहां से भाजपा के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के सरोज ने जीत दर्ज की है। दोनों के बीच का अंतर 14,474 रहा। भाजपा से सपा में गए ब्रजेश कुमार प्रजापति को हार का सामना करना पड़ा। तिंदवारी विधानसभा सीट से उन्हें भाजपा के रमेश निषाद ने शिकस्त दी। रमेश ने ब्रजेश को 28,425 वोटों से हरा दिया। इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रोशन लाल वर्मा तिलहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। यहां भाजपा की सलोना कुशवाहा ने जीत दर्ज की। दोनों के बीच का अंतर 13,277 का रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।